जो उन्होंने की वो यार उनके हालात को समझें, सिचुएशन को समझें। समझती हूँ मैं उनकी सिचुएशन को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दूसरों के दिल आजारी करें। वो भी उनकी जो मोहब्बत करते हैं, उनसे हमदर्दी करते हैं, मुझे लगता है कि उनको मेरी मोहब्बत और हमदर्दी पर शक है। सचल, सचल ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रही हैं। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आप कहते हैं ना उन सबके सामने कि सजल गलत नहीं कह रही है, मगर आपने तो मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया ना, खामोशी से सुनते रहे सब। इसका तो यही मतलब है ना कि आपको भी लगता है कि मैं सही नहीं हूं। नहीं, सचल। डन, भेज दी अपनी ईमानदारी की सारी रसीदें। एक पैसा जो ऊपर रखा हो, आराम हो मुझ पर। एक बात तो बताओ, तुम तो कहते थे कि तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो। हाँ, सच्ची मोहब्बत में फिर ये हेरा फेरी कहां से आ गई? देख दोस्त, मोहब्बत और जंग में ना सब कुछ जायज। मेरी बात सुन, कौन सा मैंने 12 लाख रुपए रख लिए, सिर्फ 5 लाख ही तो ऊपर रखे हैं, और वो भी अपने लिए नहीं, परी के लिए। शादी करनी है अब, क्या खाली हाथ उसे ब्याह कर लाऊंगा मैं? इतने खर्चे हैं यार, परी, जेवर, ये सब बन जाएगा उन पैसों से। कहीं बन ही ना जाए जेवर। कोई शक है तुझे? यकीन है मुझे, इन 5 लाख में से शादी होते तक तेरे पास 5,000 भी रह गए ना, तो 1 लाख बेटा मैं तुझे अपनी जेब से दूंगा। वो करेगा नहीं? बिल्कुल नहीं। लगा शक? लगी। हाँ चली गई। क्या हुआ भाई? सजल कहाँ है? भाई वो भाभी की अम्मी आई थी, उनको अपने घर ले गई हैं साथ। कह रही थी कि हम तो सजल का चेहरा देखने को तरस गए। और अब मैं आपको क्या बताऊं, वो मुझसे पूछ रही थी कि कहीं अशर ने मना तो नहीं किया है कि सजल अपने घर ना जाए। ये सब उन्होंने कहा? तो मैंने कब मना किया सजल को घर जाने से? हाँ नहीं, वो ये क्यों कह रही थी, पता नहीं सज्जल वहां जाकर क्या सच झूठ करती है। नहीं परी, ऐसा कैसे हो सकता, वो सज्जल ऐसा नहीं बोल सकती। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अम्मी? 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 अम्मी क्या हुआ आपको? ठीक है आपकी? वो आज हमने बाहर से खाना मंगवा लिया था ना, खाने के बाद अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा था कि बाहर का खाना अम्मी को नहीं खाना है। अशर, तुम्हें पता तो है अम्मी से इतना काम नहीं होता है, और दिन का खाना हमारे यहाँ सज्जल ही बनाती है। जब तुम्हारी सास ने आके बातें सुनाई तो अम्मी ने कहा सज्जल को सबसे पहले उसके घर भेजो भाई। फिर जब अम्मी को भूख लगी, मैंने जाके किचन में देखा, कुछ खाने को बना हुआ ही नहीं था, सज्जल कुछ बना के ही नहीं गई। मैंने कहा चलो मैं कुछ बना देती हूँ, लेकिन फिर गैस भी नहीं आ रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ा। बेटा तुम परेशान मत हो, बाहर का खाना खाया है ना तो शायद वो बदहजमी हो गई है। सज्जल को मुझसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मैंने भी उससे यही कहा था कि एटलीस्ट अशर को तो बता दो, लेकिन वो उल्टा मुझे बोल के गई है कि आप अशर को बता दीजिएगा। मैं अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकती। आप गुस्सा नहीं करें भाई, भाभी बहुत अरसे बाद मेके गई हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है।
वॉलेट घर पे रह गए। तो रक्षे में बैठने से पहले सोचना चाहिए था ना बाजी। मुझे नहीं पता, आप मुझे फ्री करें, आगे जाके मुझे और सवारी उठानी है। भाई मैं यही तो कह रही हूँ, मेरा वॉलेट घर पर रह गया। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ऐसा करो, मुझे वापस घर लेके चलो, मैं वहाँ जाके किराया दे देती हूँ। नहीं 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 नहीं, बहुत मेरा वास्ता पड़ता है तुम जैसी धोखेबाज सवारियों से। बात सुना, लड़की देख रहे जो बहस कर रही है? यही तो कह रही, मुझे वापस लेके चलो ना। नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। सुधा के पैसे दे। आप मुझे मेरा किराया दे दें। ये लो पैसे, और लेडीज से बात करने की तमीज सीखो। ये कोई तरीका होता है बात करने का? तुम कौन हो, ये किराया क्यों दे रहे हो? जी वो हमाद साहब ने। हमाद साहब, और वो क्यों दे रहे हैं किराया? मैं आपको बताता हूँ। तुम क्या देख रहे हो, तुम जाओ बैठो गाड़ी में और जाओ यहाँ से। आप प्लीज आइए मेरे साथ। आइए मैम, आइए मैम। क्या है हमारे साथ? एक्सक्यूज मी। वो आपका शुक्रिया अदा करना था रिक्शे के किराए के लिए। धनी से कैसे ये लापरवाही हो गई? ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं। फिर भी हर कोई तो ऐसे एतबार नहीं करता किसी अजनबी पर जिस तरह आपने किया। आप अजनबी नहीं? जी जी, मेरा मतलब कि वो मैंने अक्सर आपको देखा है, मतलब मेरे स्टाफ ने अक्सर आपको देखा है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। फिर भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे उस रिक्शे वाले पर, अपने आप पर, कि से कैसे ऐसी लापरवाही होगी। सुनिए, कहा ना आपको, हो जाता है, कोई बात नहीं। ये आप रख लीजिए, मैं कल पैसे देके ये ले जाऊंगी। एरिन क्या कर रही हैं आप, मैं ये बिल्कुल भी नहीं ले सकता। नहीं, मैं कल पैसे ले आऊंगी ना, आप प्लीज रखिए इसे। तो आप पैसे दे दीजिएगा, ये करके आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, मैं कल पैसे लेके आ जाऊंगी। जी बेहतर। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया भाई? जल्दी कर वॉलेट निकाल, जल्दी कर, मोबाइल दे, वॉलेट दे, जल्दी कर, टाइम नहीं है इतना। निकाल रहा हूं, जल्दी कर, पुलिस आया हो जाएगी, जल्दी कर। रुक रुक, चल जल्दी चल,